आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 1 दिसंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दहशत पैदा कर दी है। बुधवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ओमिक्रॉन से संभवित तीसरी लहर को रोकने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर, कार्तिक और हस्तशिल्प मेले में सेकंड डोज वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश देने का फैसला किया। मंदिर और मेला स्थल पर वैक्सीनेशन टीम भी तैनात रहेगी जो मौके पर ही डोज लगाएगी। पूरे जिले में मास्क का प्रयोग सख्ती से कराने का फैसला भी किया गया है। इसके लिए सख्ती भी की जाएगी। वैक्सीन के दूसरे डोज का लक्ष्य तेजी से हासिल करने के लिए सेकंड डोज नहीं लगवाने वालों को पुलिस के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने का फैसला भी किया गया। हर हाल में सेकंड डोज का लक्ष्य 26 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। कलेक्टर ने सेकंड डोज से बचे लोगों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि व्यापक अभियान चलाकर टीकाकरण किया जा सके। चूंकि ओमिक्रॉन की पहचान आरटीपीसीआर टेस्ट से ही होती है इसलिए पूरे जिले में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का ही फैसला किया गया है। 2 साल बाद लग रहे हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ शानदार होने की जगह फीका रह गया। मेले में आए व्यापारियों की दुकानें जमी भी नहीं थी और उच्च शिक्षा मंत्री ने फीता काट दिया। आलम यह था कि कोई व्यापारी टेबलों के लिए भटक रहा था तो कोई रस्सी के लिए। कुछ व्यापारी दुकानें ठोकते नजर आए। इसी बीच मंत्री जी दुकानों का निरीक्षण करने पहुंच गए। ये देख व्यापारी भी ठिठक कर मंत्री जी को देखते रहे और फिर अपने काम में लग गए। शुभारंभ कार्यक्रम में एक भी विधायक नहीं पहुंचा। जिले में भाजपा के 3 और कांग्रेस के 4 विधायक हैं। कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद कालिदास अकादमी में हस्तशिल्प मेला बुधवार से शुरू हुआ। मेले को लेकर शुरू से ही ऊहापोह की स्थिति रही। मेला लगाना है या नहीं इसके लिए अधिकारियों के बीच मंत्रणा होती रही। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में आने पर प्रतिबंध हटा दिए। ये देख कलेक्टर ने मेला लगने के महज 10 दिन पहले आदेश दिए। ऐसे में जिला पंचायत के लिए आयोजन टेढ़ी खीर बन गया। मशक्कत के बाद सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई और व्यापारियों को सूचना भेजी गई। इसके बाद जैसे तैसे वह दिन भी आ पहुंचा जब बुधवार शाम 6 बजे मेले का शुभारंभ हो गया। परिसर में व्यापारी दुकानें ही लगा रहे थे और बाहर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ढोल की थाप और तालियों के शोर के बीच फीता काट दिया। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया और CEO अंकिता धाकरे मौजूद थी। रेड कार्पेट पर चलते हुए मंत्री मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद स्वागत समारोह शुरू हुआ। ये खत्म हुआ तो मंत्री जी दुकानों पर पहुंच गए और सामानों की जानकारी लेने लगे। दुकानें ठीक से नहीं जमी होने के चलते दुकानदार ठिटक गए लेकिन बाद में बेमन से उन्होंने लाए गए सामान और शिल्प की जानकारी दी। मेले में कुल 257 दुकानें लगाई गई हैं और ये 10 दिसंबर तक रहेंगी। मेला रोजाना दोपहर 2 से रात 10 बजे तक रहेगा। मेले का आयोजन जिला पंचायत ने किया है लेकिन अध्यक्ष करण कुमारिया को ही मेले की अवधि नहीं मालूम। कुमारिया मेले की अवधि 12 दिन बता रहे हैं जबकि जिला पंचायत द्वारा वितरित कार्ड में अवधि 1 से 10 दिसंबर दर्शाई गई है। कुमारिया ने बताया मौसम की वजह से शहरवासी और अन्य जनप्रतिनिधि मेले में शामिल नहीं हो सके। आने वाले 1-2 दिन में मेले की रंग अच्छा जाएगी। हम जिला पंचायत की ओर से हस्तशिल्प मेला का लगाते हैं और आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा और हमारे सभी विधायक को इनवाइट करा था, किसी कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन आज शुभारम्भ हमारा माननीय मंत्री जी के हाथों से ओपनिंग शुभारम्भ किया गया है और ये 12 दिन का मेला है। आज 1 तारीख से चालू होगा, ये 12 तारीख तक उसका समापन है। हमने पिछली बार 300 दुकानें लगवाई थी तो हमारे 450 लोगों ने आए थे, फिर हमने दुकान बाद में बढ़वाई थी। इस बार हमारे कोरोना के देखते हुए हम 270 दुकान लगी थी लेकिन आवेदन 570 आए थे, तो हमने लॉटरी द्वारा उनको सबको दुकान अलाट की गई है और सबको दुकान मिल गई और जिस व्यक्ति ने ओपन के लिए दुकान मांगी थी उनको ओपन भी दी गई है। और आज थोड़ा सा पानी का मौसम के कारण भीड़भाड़ नहीं है लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन में मेला हमारा भव्य मेला लगेगा। नहीं, बारिश के कारण उनका क्या अधिकतर हाथ से बनी वो चीज़ें हैं, कोई कपड़े हैं तो उन्हें बारिश के कारण दुकानें नहीं लगा पाए, लेकिन टोटल यहाँ पे 450 से ज़्यादा दुकानें हमने आवंटित की गई है। हस्तशिल्प मेले का जो शुभारंभ हुआ मेरी अपनी ओर से पूरे उज्जैन वासियों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों की भावना के अनुसार कोविड के नियम का पालन करते हुए हम सब इस मेले के अंदर लगी हुई दुकानों में परचेसिंग करें, खरीदी करें, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है कि ये बीमारी न फैले इसलिए हमने कोविड के बचाव के साधन भी यहाँ खड़े किए हैं। उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये मेला भी अच्छे से निपटेगा कि ये जो कार्तिक में मेला लगना ही चाहिए तो ये मेला लगा है।
मैं अपनी ओर से उम्मीद कर रहा हूँ कि कार्तिक मेला भी इसी प्रकार से लगेगा, दोनों मेलों की बधाई। पुलिस का खौफ बदमाशों के दिलो दिमाग से फूर हो गया है और वह इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े सड़कों पर हथियार लहराते हुए लोगों की हत्या करने के इरादे से उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य तराना में हुआ। यहाँ एक पत्रकार पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने चाकू खोल दिया। ये देख पत्रकार ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। थाने पहुंचकर उसने केस दर्ज करवाया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पत्रकार नईम शाह उर्फ आफ्ताब पिता अयूब शाह निवासी हेलावाड़ी तराना और राजेश पिता नारायण बागरी निवासी पाला मोहल्ला तराना का बस स्टैंड पर गुमटी रखने का पुराना विवाद है। राजेश थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और उस पर 2003 से 2018 के बीच 21 प्रकरण दर्ज है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे नईम पैदल घर से मदारवाड़ा होते हुए बस स्टैंड जा रहा था, तभी खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने तिराहे पर राजेश बागरी ने उसका रास्ता रोक लिया और गाली गलौज करने लगा। नईम ने उसे गाली देने से मना किया तो राजेश ने चाकू निकाल लिया और पीछे दौड़ा। नईम मदारवाड़ा की ओर भागा, जहां उसे वसीम और गोलू पिता इकबाल मिले, जिसे देखकर राजेश भाग निकला। चाकू लेकर दौड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। कार्तिक मेला अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हो पाया है कि व्यापारियों ने अपने मुकामों पर लौटना शुरू कर दिया है। मेला अवधि नहीं बढ़ने से व्यापारी नाराज हैं और उन्हें डर है कि 15 दिन के मेले में दुकान लगाने में फायदे की तुलना में नुकसान ज्यादा होगा। ऐसे में दुकान नहीं लगाने को ही वह बेहतर कदम मानते हैं। मेले में अब तक झूले भी फिट नहीं हो पाए हैं। दरअसल कार्तिक मेले का औपचारिक शुभारंभ नगर निगम के अधिकारी 19 नवंबर को कर चुके हैं, लेकिन इस दिन तक ना तो मेले में दुकानों का आवंटन हुआ था, ना ही दुकानें लगी थी। 3 शेड ठोकने के बाद 4 दिन पहले ही दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई है। आवंटन प्रक्रिया के दौरान ही व्यापारी मेला अवधि बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया। कायदे से कार्तिक मेला 1 महीने का होता है, इस हिसाब से 19 दिसंबर को मेले की समाप्ति हो जाएगी। व्यापारी अगर अभी से दुकानें लगाना शुरू भी करते हैं तो सामान जमाने में ही 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इस तरह व्यापारी अधिकतम 15 दिन ही कारोबार कर सकेंगे। इस बीच कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हलचल से निगम प्रशासन मेला अवधि बढ़ाने के मूड में नहीं है। व्यापारी इसी से खफा होकर मेला छोड़कर जा रहे हैं। व्यापारियों की माने तो अब तक 70 से ज्यादा व्यापारी रसीद काटने के बावजूद जा चुके हैं। ये व्यापारी भारी राज्यों के हैं। इनका मानना है कि अपने राज्यों से माल लेकर आने का भाड़ा ही मुनाफे पर भारी पड़ जाएगा। ऐसे में घाटा खाकर धंधा करने से कोई फायदा नहीं है। पलवल हरियाणा के स्पोर्ट्स व्यापारी तेजपाल सोनी ने बताया कि मेले में उनकी 3 दुकानें लगती हैं। चूंकि 10 से 15 दिन में मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, ऐसे में दुकान लगाने का कोई मतलब नहीं है। उनके मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा व्यापारी रसीद कटाने के बावजूद मेला छोड़कर जा चुके हैं। वह भी मेले से जाने की तैयारी कर रहे हैं। कारण ये है जी, इन्होंने मेले 17 तारीख से उद्घाटन कर दिया है, अभी तक कोई मेला लगा नहीं है। 8 तारीख, अब 1 तारीख हो गई है। अब 1 तारीख में, अब 17 तारीख में कितने दिन बचे हैं? अभी झूले भी खड़े नहीं हुए हैं, झूले भी नहीं लगे हैं, दुकानदार भी नहीं आए हुए हैं। अगर मेले की डेट 1 तारीख से 1 तारीख तक देते हैं, 30 दिन का मेला अगर देते हैं, तो व्यापारी दोबारा दुकान लगाने के लिए तैयार है। नहीं तो सब जा रहे हैं, सबने रसीद कटा ही लिया। इन्होंने कम से कम 50 व्यापारी हैं जिनके कम से कम 100 बाहर के दुकानदार हैं, जैसे मथुरा के हैं, ग्वालियर के हैं, आगरा के हैं, मेरठ के हैं। मैं भी फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरी भी गाड़ी वहाँ रुकी हुई है। अगर मैं गाड़ी भरवाऊंगा वहाँ से, अगर मेला 1 से 1 तो होता है तो मैं गाड़ी भरवाऊंगा, तो मैं क्यों भरवाऊंगा 10 दिन के लिए मेले के लिए। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सीठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889041268003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल नानाखेड़ा उज्जैन। माधवनगर थाने के समीप बने पुलिस क्वार्टर में बुधवार शाम फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग से फ्रिज और कुछ सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक माधवनगर थाने के समीप बने पुलिस क्वार्टर में नानाखेड़ा थाने में पदस्थ आरक्षक चेतन जोहरी रहते हैं। बुधवार शाम 6:30 बजे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से उनके घर में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बारिश होने के चलते आग बुझाने वाले पाउडर का इस्तेमाल किया। चेतन मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं और परिवार भी इंदौर में ही रहता है। वे यहां अकेले रहते हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त चेतन नानाखेड़ा थाने पर थे। आग से फ्रिज और कुछ सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम ने हमें सूचना दी कि माधवनगर थाने के पास में मकान में आग लगी। हमने तुरंत फायर फाइटर लेकर रवाना हुए। यहाँ पर आकर हमने देखा कि फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आग लगी हुई थी। फ्रिज पूरा जल चुका, उसके ऊपर एक किसी प्लेट टाइप में उनने बना रखी घर में, वहाँ पर कुछ केबलें पड़ी थी तो वो चिपक गई।
कार्तिक मेले में लगने वाले झूलों की जगह विवादों में घिर गई है। नगर निगम के इंजीनियरों ने लेआउट डालते समय 22 के बजाय केवल 18 झूलों की जगह छोड़ी है। इस कारण मेले में झूले अब तक नहीं लग सके हैं। समस्या से परेशान व्यापारियों ने उज्जैन के राजनेताओं को आड़े हाथ लिया। इनके मुताबिक हमारे राजनेता मिलने का टाइम तक नहीं देते हैं। दरअसल मेले में 22 झूले लगते हैं, इस बार जो जगह छोड़ी गई है उसमें केवल 18 झूले ही लग सकते हैं। ऐसे में 4 झूलों की जगह तय नहीं होने से बाकी व्यापारी भी झूले नहीं लगा रहे हैं। वह नगर निगम के इंजीनियरों को बुला बुला कर परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई भी लेआउट बताने नहीं आ रहा है। व्यापारी राजनेताओं से खासी नाराज हैं। इनका कहना है कि 10-10 साल के हमारे विधायक सांसद मिलने का वक्त तक नहीं देते। उनकी हालत ये है कि वह समस्या सुनने तक को तैयार नहीं है। झूला व्यापारी खेमचंद जैन कहते हैं कि हम लोग बुरी तरह परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालत ये है कि हमारे राजनेता हमारी बात नहीं सुन रहे। सर, हमारे झूले 18 झूले की जगह उन्होंने जो बनाई है, जिस व्यक्ति ने, वो इंजीनियर भी गलत है, क्योंकि हमारे शुरू से हम तो रात दिन मेला करके जीते हैं, जबकि हमारी समस्या है उसे दूर किया जाए। हम मोहन यादव जी, पारस जैन और फिरोजिया जी पास भी गए, पर हमारी समस्या वही की वही अटकी हुई है। वो कहते हैं कि कलेक्टर नहीं मान रहा, कलेक्टर लिखित में मांग रहा, कलेक्टर कहता कमिश्नर नहीं मान रहा। अरे भैया, हम गरीब लोगों की सुनो, हमारे बाल बच्चे परेशान है, हमारे कोई मकान भी नहीं है, हम तो मेले लाइन में ही जीते हैं और मेले लाइन में मस्ती करते हैं और इसी में हमारा पालन पोषण होता है। कहीं घाटा जाता है, कहीं मुनाफा जाता है, लोगों से ब्याज बट्टे से पैसे ले लेके हमारे झूले चलाते हैं हम। झूला व्यापारी असलम भाई कहते हैं कि नगर निगम आएगी तो झूले लगेंगे, इसलिए झूले खड़े नहीं हो रहे। मेले का आकर्षण झूले होते हैं, अभी तक जगह नहीं नपी है, जब तक जगह नहीं नपेगी झूले कैसे लगेंगे। बहरहाल इस बार कार्तिक मेला कठिनाइयों से घिरा नजर आ रहा है। व्यापारियों के साथ झूला दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। भाई, नगर निगम आएगी तो झूले लगेंगे, और झूले नहीं लगेंगे दुकानें भी नहीं लगेगी। दुकानदार जा रहे हैं सब सामान ले लेके, कोई दुकानदार रुकने को तैयार नहीं है, झूले खड़े नहीं हुए। भाई, झूला क्या है, मेन रहता है मेले का। मेले का अगर झूला नहीं खड़ा होगा तो मेला लगेगा कहाँ से, कि मेला है। करीब 11 दिन पहले जीरो पॉइंट ब्रिज के नीचे और ढांचा भवन के पास फील्ड इंजीनियर की हत्या करने वाले 2 आरोपियों के मकान बुधवार को जेसीबी की मदद से ढा दिए गए। तिरुपति गोल्ड में रहने वाले नगर निगम में पीएम आवास का काम देखने वाले फील्ड इंजीनियर पंकज कनौजिया की लघु शंका करने के विवाद में हत्या कर दी गई थी। बाफना पार्क का रहने वाला शेरा, ढांचा भवन के रहने वाले हिमांशु ललावत और पीयूष बैरागी ने यह हत्या की थी। शराब के नशे में तफरी करने निकले आरोपियों ने पंकज को चाकू से गौत कर मार डाला था। पंकज का साथी सुदामा मौके से भाग निकला था। पुलिस ने 3 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से 2 के मकान बुधवार को ढा दिए गए। ढांचा भवन क्षेत्र में स्थित मकान को तोड़ने के लिए डीएसपी अरविंद सिंह तोमर और टीआई जितेंद्र भास्कर के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। निगम की जेसीबी ने दोनों के मकान ढा दिए। फरार वारंटियों और बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने दिए हैं। इस पर एएसपी आकाश भूरिया, एसडीओपी अरविंद सिंह और टीआई संजय वर्मा के निर्देशन में टीम गठित की गई। टीम ने 2 साल से उज्जैन में हत्या कर फरार हुए आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया। अब उसे उज्जैन लाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2019 में जीवन पिता विक्रम, उम्र 24 साल, निवासी पान विहार, थाना घटिया की हत्या कार्तिक मेला ग्राउंड पर मोहन पिता कालू मोगिया, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम सलवा ने की थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। भाट पचलाना पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। मामले में महाकाल पुलिस उज्जैन को भी सूचना दे दी है। बता दें, आरोपी वर्ष 2014 में मारपीट के एक अन्य मामले में भी फरार था, जिसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। मारपीट के प्रकरण से फरार था। इसी व्यक्ति ने 2019 में महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक मेला ग्राउंड में जीवन मोगिया की हत्या करके घटनास्थल से फरार था, और ये कभी पकड़ा नहीं था। वहाँ पर भी उसको उन्होंने टारगेट किया, कुछ सप्लाइज वगैरह उन्होंने करवाए, और इसके बाद में हमने एक टीम गठित की। हमें इसके थोड़ा सा पता प्रोग्रेस की हुई तो टीम में हमने एसआई सत्येन चौधरी और नारायण मास्कले महारक्षक हैं और आरक्षक नवीन को जोधपुर भेजा, जहाँ से उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पकड़ के इसको लेके आए हैं। इसका नाम मोहन पिता कालू जी मोदिया है, और ये महाकाल थाने के अपराध क्रमांक 271 रुपये 19 धारा 302 से 2019 से ही फरार है। मंत्री जी, हमें सूदखोरों से बचा लीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। ये गुहार बुधवार सुबह माधवनगर अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक पीड़ित परिवार ने की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बता दें, सोमवार को चिमनगंज पुलिस ने 2 लोगों की शिकायत पर रईसा बी पति बाबू खान निवासी चंदन नगर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके अलावा नीलगंगा और माधवनगर थाने में भी सूदखोरों से परेशान लोगों ने शिकायत की थी।
स्कूल की छत से गिरी शिक्षिका की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतिका स्कूल की छत पर किसी से बातचीत कर रही थी, इसी दौरान वह गिर गई जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई। उन्हें अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतिका का नाम स्वाति रोशनकर, पति राजेंद्र शर्मा, निवासी देवास रोड उज्जैन है। वह उन्हेल उज्जैन रोड स्थित श्री निरंजन इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका थी। उज्जैन रोड पर निरंजन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे स्वाति रोशनकर उम्र 50 साल करीबन, देवास रोड के रहने वाली, पति का नाम राजेंद्र शर्मा है। ये छत पर कुछ बातचीत कर रही होगी, अचानक छत से नीचे गिरने से सर में गहरी चोट लगने से उसको अस्पताल ले गए थे वहाँ के अस्पताल वाले, और सरकारी अस्पताल उज्जैन में अंदर उसकी कल दिना को मृत्यु हुई है और आज उनका पीएम हो रहा है और वहाँ मर्ग कायम होकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 11 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए 41 खंडपीठें गठित की गई हैं। इसमें आपसी समझौते के साथ कई तरह के प्रकरण निपटाए जाएंगे। बुधवार को न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह ने लोक अदालत की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें राजीनामा योग्य, लंबित अथवा प्री लिटिगेशन प्रकरणों को आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायालय में पदस्थ अधिकारी लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर प्रीसीटिंग की कार्यवाही प्रतिदिन कर रहे हैं। लोक अदालत में कोर्ट में लंबित प्रकरण जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बिजली प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी आदि का निराकरण समझौते से होगा। सिंह ने कहा, चेक बाउंस के मामलों को यदि लोक अदालत में निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदंड में विशेष छूट भी मिलेगी। इसी प्रकार संपत्ति कर, जल कर एवं बिजली चोरी के प्रकरणों में भी छूट मिलेगी। जिला न्यायाधीश अरविंद जैन ने बताया, लोक अदालत के प्रचार के लिए रैलियां आयोजित की जा रही हैं। 11 दिसंबर 2021 को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी विभागों के प्रकरण रखे जाएंगे, खासतौर से नगर निगम, बिजली, चेक बाउंस, मोटर यान अधिनियम के प्रकरण एवं अन्य आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। करीब 810 प्रकरणों का निराकरण पिछली लोक अदालत में हुआ था और इस बार सबसे अच्छा पहलू इसमें यह है कि हम बैंक के जो ऋण के मुकदमे हैं उनको भी हम सुनवाई के लिए ले रहे हैं और उसमें भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस कारण से इस बार प्रकरणों की संख्या कुछ ज़्यादा होगी और हम उम्मीद करते हैं कि 1000 के ऊपर हमारे प्रकरण का निराकरण इस लोक अदालत में होगा। सर, रिकॉर्डों के अपडेट को लेकर भी कुछ शिकायतें आ रही हैं आपके पास में? वो शिकायत मुझे आज ही प्राप्त हुई है, मैं उसमें कार्रवाई करने के लिए मैं विभिन्न विभागों से। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री था जो बुधवार को घटकर 21 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री था जिसमें बुधवार को 3.5 डिग्री का उछाल आया और तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने शहर को भिगो दिया। बुधवार दोपहर 2:30 बजे से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ जो रात 8 बजे तक चलता रहा। आगामी 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने के आसार हैं। युवा मंच सत्संग समिति द्वारा सेवा कार्य के तहत गेहूं वितरित किया गया। इसके अलावा देसाई नगर स्थित स्कूल में बच्चों को स्वेटर भी वितरित किए गए। मेडिकल टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश के संगठनात्मक विस्तार एवं कार्य संचालन के लिए उज्जैन जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई। विश्व एड्स दिवस पर बुधवार को 10वीं एमपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने रैली निकाली। कैडेट्स ने देवास बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एड्स से बचाव संबंधी जागरूकता अभियान चलाया। सेवानिवृत्त शिक्षिका इंदिरा जारिया ने वार्ड 33 स्थित बाबा जी की बस्ती बर्नागर रोड और अन्य बस्तियों में जरूरतमंद 100 से अधिक बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। 4 दिसंबर को आ रही शनिश्चरी अमावस्या की व्यवस्था देखने के लिए एडीएम संतोष टैगोर ने बुधवार को त्रिवेणी घाट का दौरा किया। उनके साथ एएसपी अमरेंद्र सिंह, एसडीएम गोविंद दुबे, कल्याणी पांडे उपस्थित थे। माधव कॉलेज में 6 अतिरिक्त कमरे बनेंगे, इसके लिए राशि की स्वीकृति जारी हो गई है। बिरगोद स्टॉप डैम का जल कलेक्टर ने संरक्षित घोषित कर दिया है। तराना में छोटी कालीसिंध नदी पर बने बिरगोद डैम के पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए होगा। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विशेषज्ञों ने एड्स के कारण होने वाली बीमारियों पर बात की। इसके मुताबिक टीबी की बीमारी एड्स रोगियों को होती है। पशुपालन विभाग ने अब तक 405 लोगों को केसीसी जारी कर दिया है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।